स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। और आज हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करने का ट्रिक सीखेंगे, जिसमें कि आज हमने बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन या डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को लिया है। पहले मैं आपको बता दूं कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता क्या है। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट, एक ही स्पीसीज एक बार खुद को ऑक्सीडाइज करता है और एक बार खुद को रिड्यूस करता है। इसको कैसे हम जानेंगे कि ये खुद को ऑक्सीडाइज करता है और रिड्यूस करता है? तो हम लोग हर एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लोरीन की स्टेट जीरो है, यहाँ पे क्लोरीन प्लस वन स्टेट में है और यहाँ पे क्लोरीन माइनस वन स्टेट में है। यानी हम कह सकते हैं कि क्लोरीन एक बार अपनी स्टेट को बढ़ा रहा है, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये हम कह सकते हैं दिस इज ऑक्सीडेशन। हाँ, एक बार यही क्लोरीन एक बार अपने स्टेट को घटा भी रहा है एंड दैट मीन्स इसको हम कह सकते हैं रिडक्शन। और आप जानते हैं जहाँ पे भी किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियस मूव करें, दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस हो, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक, इसको बैलेंस करने का जो ट्रिक है वो ये है कि पहले हम लोग इन रिएक्शंस को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड देन सेपरेट देम, और उनको हम सेपरेट करते हैं। ठीक है, कैसे सेपरेट करेंगे? तो पहले हम लोग ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को यहाँ पे लिख लेते हैं। Cl2 से हम लोग जा रहे हैं किस में? ClO- में। ये हमारा ऑक्सीडेशन पार्ट है। और एक बार यही हम लोग Cl2 से किस में जा रहे हैं? हम लोग Cl- में। ये हमारा रिडक्शन पार्ट। ये कायदे से हम कह सकते हैं कि ये हमारे, अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स यूज किए जाते हैं। हम लोग उन स्टेप्स को इग्नोर करते हुए बैलेंसिंग सीखते हैं हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तब हम, हमारे पास दो हाफ में हमने रिएक्शन को डिवाइड कर लिया है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब पहले हम लोग उन एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं जिनकी स्टेट में चेंज हो रहा होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, या ये भी कह सकते हैं हम लोग उस एलिमेंट को हम लोग बैलेंस करेंगे अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लोरीन दो एटम है, यहाँ पे क्लोरीन का एक एटम है, तो यहाँ आप टू से मल्टीप्लाई कर दें। दूसरे वाले रिएक्शन में अगर देखा जाए जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी क्लोरीन दो एटम है, यहाँ पे क्लोरीन एक ही है, तो यहाँ भी आप चाहें तो टू से मल्टीप्लाई कर दें। ये हो गया हमारा एक स्टेप जहाँ पे हम लोग रिएक्शंस को पहले उन एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे जिनमें इस ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज हो रहा है। अब हम लोग किस मीडियम में देखने जा रहे हैं रिएक्शन को, आप ध्यान से देखें तो यहाँ OH दिया हुआ है, यानी ये बेसिक मीडियम की बात कर रहा है। बेसिक मीडियम का सिंपल तरीका ये होता है कि जिस साइड ऑक्सीजन ज़्यादा है उसी साइड आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, उसी साइड आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये ट्रिक आप याद रखिएगा। और जितने ऑक्सीजन ज़्यादा हैं उतने ही आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड करें। ये एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जितने ऑक्सीजन ज़्यादा है उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे आप, और उसके अपोजिट जस्ट डबल आप जितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए हैं उसका जस्ट डबल आप OH आयन ऐड कर दें। नाउ दूसरे केस में अगर हम देखें, दूसरे हाफ रिएक्शन में, तो यहाँ पे ऑलरेडी ना तो कोई ऑक्सीजन है ना कोई हाइड्रोजन है, एंड दैट इसको आप एज इट इज लिख डालें 2Cl-। अच्छा, अब ध्यान देने की बात है, अब हम लोग चार्ज को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे चार्ज बैलेंस करने के लिए आपको ध्यान देना होगा। आप देखें इधर राइट साइड यहाँ पे दो नेगेटिव चार्ज हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे फोर नेगेटिव हैं। तो आप राइट साइड चाहें तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं चार्ज को बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखें राइट साइड दो इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आप ऐड करेंगे। और कहा जाता है कि किसी भी रिएक्शन में चार्ज को बैलेंस करने के बाद एक सुटेबल नंबर से उसको मल्टीप्लाई करिए
सो दैट इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो राइट साइड भी दो इलेक्ट्रॉन है एंड लेफ्ट साइड भी दो इलेक्ट्रॉन है। नाउ ऐड द बोथ हाफ रिएक्शन, दोनों को आप ऐड कर दें, सी एल टू प्लस फोर ओ एच माइनस गिव्स टू सी एल ओ माइनस प्लस ट्वाइस एच टू ओ प्लस टू इलेक्ट्रॉन। ये हमारा फर्स्ट हाफ रिएक्शन है और ये हमारा सेकेंड है। इन दोनों को आप ला के यहाँ ऐड कर दें, सी एल टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स टू सी एल माइनस, इनको आप ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप ऐड करेंगे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा हमें फाइनली, टू सी एल टू प्लस फोर ओ एच माइनस गिव्स टू सी एल ओ माइनस प्लस टू सी एल माइनस एंड प्लस ट्वाइस एच टू। इस तरीके से ये हमारा रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। थैंक यू।